अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो इंग्लिश का बेसिक है वो शेयर कर रही हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो आज देख लेते हैं इस वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, सेंटेंस। जब हम लोग कोई भी जुमला बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमको आइडिया हो जाता है कि कोई ना कोई लड़का, कोई लड़की, वो काम कौन कर रहा है। तो जो भी बंदा वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। तो देखिए, तीन कैटेगरीज बनाई हूँ मैंने। तो जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो है तीन कैटेगरीज होती है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे कि मैं, आई मतलब मैं, और सेकंड पर्सन यू तुम, और थर्ड पर्सन जैसे कि ही, लड़का है तो उसके लिए यूज़ होता है ही, लड़की है तो उसके लिए यूज़ होता है शी, और कोई सामान के लिए, कोई बेजान चीज़ के लिए बात हो रही है तो क्या होगा, इट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, समझो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं बन गई फर्स्ट पर्सन और आप बन गए सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब चाहे वो बात हम अपने सहेली के बारे में, दोस्त के बारे में, किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही थी ना, वो बंदा या बंदी बन जाएगी थर्ड पर्सन। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर जो है देखा जाता है। अब अगर सिर्फ मैं अकेली बात कर रही हूँ तो आई, और अगर एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, अगर देखो एक होते तो हम लोग बोलते हैं मैं, और एक से ज़्यादा रहते तो क्या बोलते हैं उर्दू में हम लोग, हिंदी में भी हम, है ना, एक से ज़्यादा है तो सिंगुलर है तो आई, और प्लूरल है तो वी। इसी तरीके से और जो यू को देख लेते हैं, तो यू का तो सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी उसका यू होता है। और फिर उसके बाद जो है ही, शी और इट। ही लड़के के लिए यूज़ होता है, शी जो है वो लड़की के लिए यूज़ होता है, और इट कोई भी बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर एक एक हैं तो ही, शी, इट ऐसा लगाओगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं ये लोग प्लूरल है, तब आप क्या लगाओगे, दे लगाओगे। तो जब ही भी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में जब भी मैं सब्जेक्ट का नाम लूँगी, तब आप फौरन समझ जाना कि जो सब्जेक्ट है उस जगह पे कोई भी चीज़ आ सकती है, चाहे मतलब के सिंगुलर वाली या प्लूरल वाली कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो क्या कर रहा है, जो सेंटेंस के अंदर काम करने वाला है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ये क्या करता है, समय बताता है, मतलब टाइम को बताता है। जैसे कि अभी हम लोग मतलब धीरे धीरे ये जो है ना, और भी इंग्लिश की क्लासेस में डालूंगी, तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सारे के यूजेस कैसे करना है और इसके सेंटेंसेस कैसे बनाना है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो है इसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ कि कैसे काम करती है। जैसे इज़ का मतलब, जब भी सेंटेंस में हम लोग को इज़ दिखता है ना, तो हम लोग फौरन समझ जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एम भी दिखता है तभी भी हम लोग सोचते हैं कि मतलब प्रेजेंट की बात ही हो रही है, और आर दिखता है तभी भी प्रेजेंट की बात है, लेकिन जब वॉज दिखता है तब हम लोग समझते हैं कि पास्ट टेंस की बात है, वर दिखता है तभी भी पास्ट टेंस की बात है, विल और शैल दिखता है तब हम लोग बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस की बात है। इसी तरीके से ये जो बहुत सारे ये जो दिख रहे हैं ना आपको हेल्पिंग वर्ब्स, इसकी तो मैंने बहुत ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो है ये वर्ब की, वर्ब मतलब काम, जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में उसकी हेल्प के लिए लगाया जाता है, ताकि वो समय बता सके, वक्त बता सके कि ये बात जो है आज की बात है, कल की बात है, पहले की बात है, या आने वाले वक्त की बात है, कब की बात है, वो ये सारे वर्ड्स से आपको जो है पता चल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है होने वाला काम। सेंटेंस के अंदर कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि अगर आपको, जैसे अभी हम लोग सेंटेंस बोलेंगे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये एक सेंटेंस में पढ़ा रही हूँ जो है वो एक काम है। पढ़ाना क्या हो गया, एक काम है। मैं जा रही हूँ तो जाना एक काम है। इस तरीके से जो काम होता है ना, जो एक्शन होता है, उसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की कुछ फर्स्ट फॉर्म जो है वो लिखी हूँ, और इसके बाद जो और जो वीडियोस अपलोड करूँगी उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं कि कैसा होता है। ईट का मतलब होता है खाना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब आना, प्ले खेलना, बाय खरीदना। तो इस तरीके से मैंने कुछ वर्ब्स दी हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। नॉर्मल बातचीत में जो है सेंटेंसेस बनाने में ये वर्ब का आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की, मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने ली हूँ, मोहन ईट्स मैंगोस। तो मोहन जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैंने पहले बताई थी कि काम करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो मोहन ये काम कर रहा है ना, तो मोहन बन गया सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है वो, ईट्स कर रहा है, मतलब कि वो खा रहा है। देखो मोहन जो है ना वो सिंग्यूलर वर्ड है, एक ही लड़का है ना, तो इसके जो ईट है ना, तो ये ईट अपना वर्ब था, तो कभी भी सिंग्यूलर वर्ड आता है ना तो उसके वर्ब के साथ जो है वो एस लगता है। जब हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा डिटेल में सिखा दूंगी, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना कि वर्ब में कब ईडी लगता है कब एस लगता है, वो सारी कन्फ्यूज़न भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई लड़के का नाम आता है ना, तो वर्ब के साथ जो है लड़का या लड़की का नाम आएगा, तब वर्ब के साथ आप एस लगा लिया करना, तो ईट से बन जाएगा ईट्स। तो मोहन ईट्स क्या खा रहा है, वो मैंगोज़ खा रहा है। तो देखो मोहन बन गया सब्जेक्ट, ईट्स बन गया वर्ब, और मैंगोज बन गया ऑब्जेक्ट। काम मैंने बताई थी ना कि ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम हो, तो मैंगोज के ऊपर काम हो रहा है ना। खाना किसका हो रहा है, मैंगोज को एक तो खाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कितने पार्ट से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब नॉर्मली आप कोई भी सेंटेंसेस देखेंगे ना, तब आपको उसके हिस्से दिखेंगे, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब और एक होगा ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी भी ऐसा फॉर्मूला, ऐसा पैटर्न लिखा हुआ देखना, तब आप कंफ्यूज नहीं हो ना, समझ जाना कि जो मैंने एक्सप्लेन की थी ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसी की बात हो रही है। सेकेंड जो है सेंटेंस है, फादर बॉट अ बुक। फादर बन गया सब्जेक्ट, बॉट यानी खरीदा है उसने, तो वर्ब बन गए, और आ बुक जो है वो अपनी ऑब्जेक्ट बन गई। क्या चीज़ खरीदी गई है, ऑब्जेक्ट, किसके ज़रिए खरीदी गई है, फादर के ज़रिए। क्या काम हुआ, खरीदने का काम हुआ। अभी आपका होमवर्क है कि द बॉय एट पिज़्ज़ा, लड़के ने पिज़्ज़ा खाया। अब इसके अंदर जो है आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।